धक्का लगने पर नाजिश ने किया युवक के चेहरे पर वार, बाद में पुलिस ने किया कट्टे के साथ नाजिश को गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गुरुवार 26 नवंबर को मुमरा ठाकुरपाड़ा परिसर में एक वारदात हुई जिसमें उदय कदम नामक युवक है जिसका धक्का नाजिश को लग गया, नाजिश सिद्दीकी को। धक्का लगने के बाद कुछ कहासुनी हुई और उसी कहासुनी के दौरान नाजिश सिद्दीकी ने किसी धारदार हथियार से सीधे उदय कदम के चेहरे पर वार कर दिया। उदय कदम की शिकायत पर मुमरा पुलिस ने नाजिश सिद्दीकी के खिलाफ धारा 324 के तहत पहला मामला दर्ज किया और उसके बाद जैसे ही नाजिश की खोजबीन की गई, नाजिश को जब पकड़ा गया और पुलिस को यह सूचना मिली थी, पुलिस को मुखबिरों द्वारा यह खबर मिली थी कि नाजिश के पास एक देसी कट्टा भी है। पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो नाजिश ने अपनी निवासी इमारत के टेरेस से छुपाकर रखा हुआ कट्टा बरामद करके दिया। आपको बता दें, ये वही नाजिश सिद्दीकी है जिसने मुमरा बाजार में कुछ अरसा पहले एक महिला पर एसिड फेंकने का अपराध किया था। यानी कि अब ऐसा पता चल रहा है और सामने जो जानकारी है इससे ये पता चलता है कि नाजिश जो है परिसर में अपने आप को भाई के तौर पर स्थापित करना चाह रहा था, उसे बड़ा भाई बनने की बड़ी चाह थी और उसी के तहत एक के बाद एक ऐसे वो कारनामे कर रहा है, ऐसा उसको जानने वाले लोगों का कहना है। बहरहाल, नाजिश ने जिस उदय कदम पर वार किया उसका क्या कहना है इस मामले को लेकर के, वो हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद नाजिश की गिरफ्तारी हुई और उसके निवासी इमारत के टेरेस से उसकी निशानदेही पर और बताने पर कैसे कट्टा बरामद किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो 324 का अपराध नाजिश के खिलाफ दर्ज हो चुका है। अब इंडियन आर्म्स एक्ट यानी भारतीय हथियार कानून के तहत भी उसके खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया, हम ये खबर जब आप तक पहुंचा रहे थे उस वक्त तक वो प्रक्रिया जारी थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि नाजिश के जरिए और भी कुछ अपराधी हथियारों समेत जल्द ही मुमरा पुलिस की गिरफ्त में हो सकते हैं। क्या नाम है आपका? उदय भालचंद्र कदम। कैसे हुआ ये आपके साथ ये घटना? वो कल रात 2:30 बजे में सम्राट नगर से निकला ना, उधर से घर पे जा रहा था रास्ते पे, तो वो नाजिश करके एक लड़का है, उसने आके मेरे को डायरेक्ट इधर चाकू से हमला कर दिया घर पे जाते। कितने दिन? कैसे हुआ था ये पूरा मामला, हुआ कैसे? मैं इधर से घर पे जा रहा था ना, तो लोग उधर खड़े थे, एक जानबूझ के मतलब ऐसा धक्का लग गया गलती से, तो उसने फिर डायरेक्ट मेरे को मारना चालू कर दिया। तो वहीं रहता है? हाँ, उधर ही आईकॉन के इधर। कितने लोग थे वो लोग? 2-3 जन थे। दो तीन? अच्छा, तुम्हारी उससे कोई पुरानी झड़प या ऐसा कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं। तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं? कुछ। पुलिस में शिकायत कराई आपने? हाँ, शिकायत कराई। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस बोले कि कार्रवाई करेगी। तो क्या कलम लगी आपको, कुछ पता है? वो नहीं, अभी तक नहीं। एफआईआर कॉपी कुछ मिला है आपको? अभी तक कुछ नहीं। मेडिकल करवाए? हाँ, मेडिकल करते हैं। कितने टाके आए? 5 टाके आए। 5 टाके आए। अच्छा, ये एक ही जगह पे वार है आपके? इधर और इधर वार। माथे पे? हाँ।